जानता हूँ बहुत सारे बच्चे जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको एकदम छोटी सी चीज, पिद्दी सी चीज जिसका नाम है वैलेंसी, उसको डिस्कस करूंगा बच्चा। वैलेंसी, अब ये वैलेंसी क्या होता है मेरे बच्चों? वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब कंबाइन होता है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन को देता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लेता है, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। क्यों लेता है और शेयरिंग करता है? स्टेबल होने के लिए। किस चीज के लिए? स्टेबल होने के लिए। तो वही जितना लूज कर रहा है या गेन कर रहा है या शेयरिंग कर रहा है, उसकी इसी एबिलिटी को, उसके इसी ताकत को, उसके इसी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। समझ में आया? तो वैलेंसी अभी एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं लूंगा। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या समझेंगे बच्चा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्या? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अभी बच्चों आपको 1 to 20 एलिमेंट्स याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कम से कम एलिमेंट्स तो आपको याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर। हाँ ठीक। अभी देखिए, मान लीजिए मैं लिथियम उठा रहा हूं बच्चा, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये बच्चा 1 है, ये 2 है कि नहीं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है कि नहीं? ये 11, 12 है कि नहीं? 13, 14, 15, 16, 17, 18 ठीक है, 19 और 20 वेरी गुड है कि नहीं? तो कम से कम 1 से 20 तक एलिमेंट आपको याद होने चाहिए एनी हाउ, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। क्या है? 3। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोहर और बरी। ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर बोला कि आपको पता है कि जो हमारा एटम होता है, हम जानते हैं बच्चों एटम स्फेरिकल होता है, उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स, हम जानते हैं बच्चा किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हम जानते हैं। तो यहां पे हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब है, प्रोटॉन हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस बीच में होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके घर को हम लोग बोलते हैं शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे रहता है, क्या बोलते हैं उसको? शेल। शेल या ऑर्बिट। क्या? इसका बहुत नाम है बच्चा, सेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, ये किसका नाम है? इसका नाम है, जो इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेल, ठीक है बच्चा। तो याद रखिएगा, जो इस पहले वाले को हम लोग बोलते हैं के शेल, क्या बोलते हैं? दूसरे वाले को बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं? एल। तीसरे वाले को एम, और चौथे वाले को एन। ये क्लियर हुआ? के एल एम एन, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट ने बताया था, बोहर एंड बरी, साफ साफ क्लियर क्लियर दिख रहा है बच्चे? क्लियर क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, बोहर एंड बरी। अभी बोहर एंड बरी साइंटिस्ट ने बच्चा आप, उन्होंने बताया कि के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि के वाला जो शेल है वो बहुत छोटा है, दिख रहा है ना बच्चा? ये वाला छोटा है ना, एल उससे बड़ा, एम उससे बड़ा, एन उससे बड़ा, तो के सबसे छोटा है कि नहीं है? तो के में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। एल में उन्होंने बोला 8 हो सकते हैं, एम में उन्होंने बोला 18 हो सकते हैं, और एन में उन्होंने बोला 32, ये उन्होंने बोला, ठीक है, कि के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ये बात क्लियर हुआ? ठीक। अब इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को शेल में दिखाना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को सेल में दिखाना। तो जैसे लिथियम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हमारा एटम है, ठीक है, एटम का ये न्यूक्लियस है बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर ये के शेल है, ठीक है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं? 2। एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने? 3। जो एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, ये बात मालूम है कि नहीं? एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चा वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे बेटा, यहां ध्यान दो, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो तुम लोग के लिए रिवीजन इसको कर रहा हूं मैं, तो प्लीज यहां पे ध्यान दे दो, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, पक्का? तो यहां पे एटॉमिक नंबर 3 मतलब प्रोटॉन 3 मतलब इलेक्ट्रॉन भी 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। के में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं अपन? 2 रख सकते हैं ना, के में, के में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। तो यहां पे 1 और 1, 2, हाँ चाहिए कितना? 3। तो अब दूसरा सेल बनाना पड़ेगा मुझे,
ये दूसरा सेल हो गया, इसमें कितना रख सकता हूँ, दो और एक चाहिए, तो दो एक चाहिए ना, तो एक डाल दिया, दो और एक तीन, तो क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ पे हैं, उसी को दिखाने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, 2.1 मतलब 2, के में 2 और एल में 1, इसको बोलेंगे 2.1। आया समझ में, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? तो बच्चा इसका ये आखिरी सेल कौन है, ये की ये वाला लास्ट सेल है, तो जो लास्ट सेल होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन। आया समझ में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया समझ में पक्के से। जैसे मैं अगर बोलूं बेरिलियम, तो बच्चा कितना होता है बेरिलियम का, कितना होता है, फोर, ठीक। तुम बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका बेरिलियम का, टू, दो, वेरी गुड, है कि नहीं। जो पहला शेल होगा हमारा उसमें दो होगा, फिर एल में भी दो, क्योंकि दो ये भर गया, फिर अगले सेल में जाएगा तो दो ही डालना पड़ेगा, दो और दो चार हो गए, बराबर, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, टू, तो टू। अभी बार बार अपन ये नहीं बनाएंगे, अभी अपने अपन बच्चे नहीं है, है कि नहीं, क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके हो पहले से, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं आ रहा था इसलिए मैं इस चीज़ को रिपीट किया हूँ मैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आया, आप बताना पसंद करेंगी, वेरी गुड, आप मुझे बताइए, वैसे पसंद नहीं भी करते तो भी आपको बताना पड़ता है कि नहीं, कोई बात नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कम से कम देख लीजिए इधर कि नाइट्रोजन का 7 दिख रहा है, है कि नहीं, नाइट्रोजन का 7, थोड़ा सा पढ़ना भी चाहिए घर पे, है कि नहीं, नाइट्रोजन का 7, तो बताइए मैं क्या लिखूं, 2.2 वेरी गुड, 2.5। बच्चा एल में मैक्सिमम 8 भर सकते ना, देखो ना इकड़े लिखा है ना मैंने कि एल में कितना भर सकते, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते, तो 2 फिल हो गया, कितना बचा, 5, देखो ना ये 2 हो गया फिल, फिर 1, 2, 3, 4, 5, किधर भी ऐसे कैसे भी फिल कर सकते हो, तो लास्ट में 5 है, तो बच्चा लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, समझ गया पक्का, यस। आप क्या नाम है आपका बच्चा, अच्छा आइए तो बताइए आप मुझे, है कि नहीं, बहुत मुस्कुरा रहा है अंदर, क्या वजह है मुस्कुराहट के पीछे भाई, मुस्कुराहट की वजह कौन है, यहां देखो, चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, चीचा 8 होता है ऑक्सीजन का, मामू है, चलो ठीक है, बताओ दिख रहा है ना, क्या बात है यार, ताली मारो यार बंदे, बहुत बढ़िया, 2.6 बैठ जाओ, इसलिए मुस्कुरा रहा था मतलब, तो उसको मालूम था 2.6। तो आप बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका, 6, वेरी गुड, है कि नहीं, सही बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मतलब जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सीख गए, यस सर, पक्के से, यस सर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक आध दो और देख लेते हैं कि नहीं, सबको आया कि नहीं बेटा, सोडियम Na, देखो सोडियम को Na से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका रियल नाम है नैट्रियम, नैट्रियम इसलिए Na से लिखते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आप इसको नाइट्रोजन समझ रही थी, ये सोडियम है क्योंकि इसका रियल नाम है नैट्रियम, ठीक है, और ये मैंने बचपन में बताया जब आप लोग छोटे थे तब मैंने पढ़ाया था, अभी आप बड़े हो गए हैं, मतलब अभी आपकी उम्र नहीं है ये सब छोटी छोटी चीज़ें बताने की, बुढ़ा गए हैं आप, अभी छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे अभी, है ना, वक्त गुजर चुका है, है कि नहीं, सोडियम में क्या रहा बच्चा, जब होगा तब ना, सोडियम का 11, ठीक है, ओए बता पागल क्या होगा सोडियम का, 2 होगा, अच्छा 2 लिखूं, हाँ 8.1, बहुत बढ़िया, सही बात है ना, देखो ना भाई ये पहला सेल है इसमें 2, एल की कैपेसिटी कितनी है, 8, 2, 4, 6, 8 फिल हो गया, 2, 8, 10 चाहिए, कितना, 11, एक और, तो एक और शेल बनाएंगे और इधर एक, तो 2, 8, 1, तो
आप मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों? इतना समझाने के बाद अगर ये हाल है भैया, लास्ट शेल में, लास्ट शेल में कितना? एक तो एक। इधर लास्ट में कितना था? छह तो छह। इधर लास्ट में कितना था? पांच तो पांच। इधर लास्ट में कितना था? दो तो दो। एक और बार पूछने बोल रहा हूँ, एक और बार। तुमच्या साठी काय पण, ठीक है? पोटॅशियम, पोटॅशियम का 19, 19, ठीक है, 19। यस, आप बताना पसंद करेंगे या किसी और से पूछो? यस सर, बताऊंगा सर। हाँ बताओ। यस टू। आठ सर नहीं, राफे सर। ये लेकिन यहाँ पे बोलो कि दो होगा, इसमें दो हो गया, के भर चुका है। अब एल में कितना? एट। वेरी गुड, एल भी भर चुका है। कितना हो गया? टू और एट, टेन हो गया। yes, कितना बचा? नाइन। अब इसमें कितना भरेंगे? नौ। नौ भर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सही है? टू एट नाइन। देखो मैंने ऑलरेडी इसको बताया है, कोई बात नहीं, फिर से बता रहा हूँ, है कि मेरा काम है बता रहा हूँ। देखिए बच्चा, लास्ट में नाइन हमने फिल किया, लेकिन बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो कैसा है? तो देखो ऐसा है, पहले टू, फिर एट, फिर एट, फिर वन। यानी कि टू एट एट वन इज सही है। ऐसा क्यों? सवाल उठता है, सर बेटा, सर बेटा। सवाल ये है कि सर एम में तो 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना, तो इधर 9 क्यों नहीं डाल सकते? ये तो एम है हमारा, के बाद एल, एल के बाद एम है, तो एम में तो 18 होने चाहिए ना, तो 8 ही क्यों डाला हमने? तो बच्चा स्टेबल होने के लिए हर एक एलिमेंट चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना, क्योंकि ये जो हेमा नेहा और करीना जेलस रानी और अभी भी पैदा हो ऑर्गेनेशन, ये सारे एलिमेंट जो है ये स्टेबल है, ये लैब में बनाया गया ऑर्गेनेशन, ठीक है? ये एलिमेंट ऑर्गेनेशन, बाकी ये हीलियम में बच्चा एच नहीं है, हीलियम है। जरा किसने लिखा था ये? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, देख के लिखा करो, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है? तो ये जो बता रहा है, ये सारे एलिमेंट्स ने स्टेबल है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने क्या बोला, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। आप यहाँ पे हो स्टेबल होने के लिए, मैं भी यहीं पे यहाँ पे हूँ स्टेबल होने के लिए, है ना? मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ और आप शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है? मैं शिक्षा दे के स्टेबल हूँ, आप शिक्षा ले के स्टेबल, है कि नहीं? तो स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है, सिंपल सी बात है। कोई अगर डोनर होना चाहिए, कोई देने वाला होना चाहिए, तो दूसरा कोई लेने वाला भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे ना जो भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इनको छोड़ के, ये इन बॉक्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, सब क्या करते हैं? या तो देना चाहते हैं या तो लेना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, सिंपल सिंपल। अगर वो स्टेबल हो जाए तो वो भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये एलिमेंट किसी से भी रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करते रिएक्ट? क्योंकि ये स्टेबल है। तो पता साइंटिस्टों ने फिर ढूंढा कि आखिर क्यों ये स्टेबल है, तो देखा सबके लास्ट में 8 आ रहा है, हीलियम को छोड़ के। देखो हीलियम का 2 होता है, 2। नियॉन का बेटा 10 होता है, तो 2.8। आर्गन का 18 होता है, तो 2.8.8। इस तरीके से बाकी के एलिमेंट्स में भी देखा, तो क्या देखा? लास्ट में क्या आ रहा है? 8। और 8 बोले तो ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब ही होता है 8। तो हर कोई स्टेबल कब है? जब उसने ऑक्टेट कंप्लीट किया है कि नहीं? जब उसने क्या कंप्लीट किया है? ऑक्टेट कंप्लीट किया, यानी कि 8 कंप्लीट किया, तब वो स्टेबल है, वरना वो स्टेबल नहीं है। ये बात सही है? तो इसीलिए ये एलिमेंट किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी से भी कंबाइन नहीं होते। क्या कर रहा है बच्चा? क्यों उंगली कर रहा है उसको? यहाँ ध्यान देना, है कि आ रहा समझ में ना? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही हर एक एलिमेंट स्टेबिलिटी अपनी गेन करते हैं। तो ये क्या चाहेगा? कि ये भी स्टेबल हो जाए, इसीलिए यहाँ पे 9 नहीं आएंगे बल्कि 8 आएगा। क्या आएगा? 8। इसलिए 2 8 के बाद हम लोग 8 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1। तो लास्ट में कितने हो गए? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। क्लियर है? यस सर। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग समझ गए? यस सर। हाँ, अब वैलेंस ही समझ में आएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा तो वैलेंस ही समझ में आएगा। तो टेक्स्ट बुक में एक बात लिखी होती है, वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या 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 क्या?
यानी कि वैलेंसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वैलेंसी के डेफिनेशन समझ जाओ। वैलेंसी उसको बोलते हैं किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट इज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सर ये क्या बोल दिया इतना बड़ा, बता रहा हूं। देखो द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी दैट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हुआ बेटा, समझाता हूं अभी मैं। अभी देखिए, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहले लिथियम का लिखता हूं। चलो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। ये सीखे कि 2.1 लिखेंगे हम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, अभी बताया ना बच्चों, है कि नहीं? लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1। देखो वो लड़की में दम है, उसने बताया 1, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1। अब ध्यान दो बच्चा, जो हमारा हीलियम है उसके लास्ट में 2 होता है ना, जो नोबल गैस है। नियॉन जो है वो 2.8 होता है। तो हीलियम के जैसा ये भी बनना चाहेगा, ड्यूएट कंप्लीट करना। इसके पास 2 ऑप्शन, ध्यान दीजिए। अगर इस जो 2.1 है, अगर इसको 7 मिल जाए तो 8 बन जाएगा, 7+1 8, है कि नहीं? तो 7 मिल जाए तो 8 ऑक्टेट बन जाएगा, यानी कि इसके ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हैं बात? या ये इस 1 को दे दे और कैसा बन जाए, हीलियम जैसा। तो क्या आसान है बताओ, 7 लेना आसान है कि 1 देना आसान है? बोलो कि भैया मेरे पास 1 रुपए है, तुम मुझे 999,099 रुपए दे दो। देगा सामने वाला? चला का चल निकल ले, तू मेरे को 1 रुपए दे दे, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, मतलब 1 देना आसान है, 99,000 लेना आसान नहीं है भाई। 7 देना आसान नहीं, कोई देगा नहीं उसको, सिंपल सी बात है। तो क्या करेगा, मजबूरी में ये बोलेगा चलो भैया मैं हीलियम के जैसे ही रह के अपनी जिंदगी में सुख शांति हासिल करूंगा, है कि नहीं? उसको सुख कब मिलेगा भाई, जब वो 1 दे देगा। तो क्या करना चाहेगा, ये लूज करना चाहेगा। तो क्या इसने लूज किया? Yes, कितना लूज किया? सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो कितना देना चाह रहा है? 1। तो वैलेंसी 1, वैलेंसी 1 आ रहा समझ में? Yes, तो कंबाइन करने के लिए कितना लूज किया, वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी। हाँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी, समझ में आ रहा है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइन क्यों करें, किसको देगा? मान लो किसी एलिमेंट को देना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? 17, बराबर, यानी कि 2.8.7। इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 इसको देगा और ये 1 ले लेगा, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा LiCl, ये कंपाउंड बन जाएगा लिथियम क्लोराइड। आया समझ में? इस लिथियम ने 1 क्लोरीन को दिया और क्लोरीन ने 1 ले लिया, दोनों भी स्टेबल हो गए और दोनों साथ में कंबाइन हो गए। आ रहा है समझ में? तो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं? स्टेबल होने के लिए। अब ये स्टेबल है, अब ये स्टेबल है, दोनों का स्टेबिलिटी गेन कर लिया है, दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो इसीलिए इसको स्टेबल होने के लिए, यानी कि क्लोरीन से कंबाइन होने के लिए कितना लूज किया? 1 लूज किया। तो इसीलिए मैंने लिखा कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन करने की कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, समझ में आ रहा है? चाहे वो लूज करे या गेन करे या शेयर करे। इस लिथियम ने 1 लूज किया तो इसकी वैलेंसी 1, इस क्लोरीन ने 1 गेन किया तो इसकी वैलेंसी भी 1, क्योंकि गेन किया तो -1, क्योंकि दिया तो +1। दानी अमीर होता है, देने वाला, है कि नहीं? देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव, है कि नहीं? तो उसने लिया तो -1, उसने दिया तो +1। तो जितना लेन या देन करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लियर हुआ वैलेंसी? अच्छा, और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चा। जैसे मैं ले रहा हूं बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। यस, आप बताइए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, 2, 3, वेरी गुड, 2.3, बैठ जाओ, है कि नहीं? 2.3, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा? वेरी गुड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। चलो इसकी वैलेंसी तुम आके बोर्ड पे लिखो भाई, कम इसकी वैलेंसी क्या होगी बोर्ड पे लिखो, मैं सीरियस ले लिया ना।
सिर्फ वी लिख दे भैया, है कि नहीं, परेशान एकदम। थैंक यू, दिमाग की बत्ती जलेगी। मोटू पतलू समोसा बैलेंसी क्या थ्री रहेगा? थ्री रहेगा, सही है, ताली मारो बंदे के लिए, सही बात है। क्यों बैलेंसी थ्री है? बैठो, क्योंकि देखो लास्ट में थ्री है, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या तो डुएट। तो ऑक्टेट करने के लिए पांच चाहिए, पांच किसी से लेगा तब ऑक्टेट बन जाएगा, या तीन दे देगा, क्या आसान है? तीन नंबर कम है ना, तो तीन देना आसान है, पांच देना आसान है नहीं, तो बैलेंसी क्या हो जाएगी बताओ? कितना दिया? थ्री, तो बैलेंसी थ्री। क्लियर है? पक्के से? चलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? इलेवन, देख के बता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, वेरी गुड, 281, बैठ जाओ, 281। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आप बताओ? क्या बात है, वन। वैलेंसी आप बताओ क्या होगा? क्या बात है, वैलेंसी वन। सब तो होशियार है यार, बना रहा हूं मैं होशियार, होशियार मत हूं। क्या यार, क्या खिला दिया, डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाने में। मुल्ला जान बुझ कर किया हूं, आखिरी आदमी मुल्ला, और चाहिए क्या? याद हो क्या, आप नोटिस कर रहे हो कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन वैलेंसी वन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री वैलेंसी थ्री, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन वैलेंसी वन। मतलब सर जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना वैलेंसी। दिस इज द इत्तफाक, दिस इज द कोइंसिडेंस, ये महज एक इत्तफाक है, गलत फहमी में मत आना कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतनी वैलेंसी होगी। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोलो? ये दिस इज द कोइंसिडेंस, महज ये एक इत्तफाक है। चलो हम देखते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जैसे क्लोरीन का ये भी मैंने लिया था 17, तो बच्चा 287 होगा। लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो क्या वैलेंसी 7 होगी? नहीं, चुके ना, तो कभी भी वो गलती में नहीं रहेंगे अपन। देखो 7 है, क्या ये 7 लूज करेगा? या तो एक लेगा या तो 7 देगा, 7 दे देगा क्या? कभी नहीं, एक लेना आसान है, एक लेना कम, हमेशा कम नंबर को देखना, हमेशा कम नंबर को प्रीफर करना, है कि नहीं? तो कम नंबर लेने वाले में अगर एक ले लेगा तो वैलेंसी इसकी पूरी हो जाएगी, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, नॉट वैलेंसी। तो एक लिया तो वैलेंसी एक हो गई, तो वैलेंसी एक, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेम हुई? नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं हमेशा होगा। आ रहा है समझ में वैलेंसी? अभी एक आध दो एग्जाम्पल और करते हैं। मैग्नीशियम का होता बच्चा 12, एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चा? वेरी गुड, 282। वैलेंसी क्या होगी इसकी? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2, वैलेंसी भी 2। ठीक है, एक चीज और सर, मान लो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कितना देगा कितना लेगा, तुम सही से कर नहीं पा रहे हो, दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। जैसे एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ, पहले नाइट्रोजन का 7 होता है बच्चा, 2.5 होगा। 5 देना या 3 लेना, क्या आसान है? 3 लेना, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो क्या दोनों सेम हुआ? नहीं। तो समझ में आ रहा है ना, कम नंबर को प्रीफर करना। उसके बावजूद अगर कंफ्यूजन हो तो चलो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक से आप आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम रहेगा तो भी आप खेल ले जाओगे, है कि नहीं? जहां ट्रिक का बात होता है एकदम मुस्कुराहट चालू हो जाती है, आप मजा आ जाएगा, एकदम कम में काम हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से भी वैलेंसी निकाली जा सकती है, उसके लिए क्या ट्रिक है? देखो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक हो, क्या अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक हो तो वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे बाबा, वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितनी वैलेंसी रहेगी उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। देख लो एग्जांपल के तौर पे, यहाँ 1 था वैलेंसी 1, 3 था 3 वाले में, तो किधर गया 3 वाला? वैलेंसी 3, 2 वैलेंसी 2, कोई 4 वाला सर लेके दिखाओ। चलो बच्चा ले लिया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जल्दी बताओ 2.4। अब इस वाले केस में 4 दे भी सकता है 4 ले भी सकता है, समझ में आ रहा है? ऑक्टेट करने के लिए या तो 4 देगा या तो 4 लेगा, तो कहने का मतलब 4 ही होगा ना दोनों तरफ से, लेकिन एक्चुअली ये ना देता है ना लेता है, ये शेयर करता है, ये शेयर करता है। ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बन चैप्टर में,
ये क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है, क्या कितना, चार शेयर करता है वो, ना चार देता है ना चार लेता है, चार शेयरिंग करता है, कैसे करता है इस चीज को हम देखेंगे वहां पे। तो देखो यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगी इसकी, चार हुई ना, चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चार, वैलेंसी भी चार। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक से चार तक हो तो वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी बराबर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार से ज्यादा हो, चार से ज्यादा हो यानी कि पांच से आठ तक हो, पांच से आठ तक हो तो आठ से घटा देना। अरे वाह वाह, देखो ना क्या करना, आठ से घटा देना, रहेगी ना ट्रिक, देखना भाई क्या करना, आठ, अगर चार से ज्यादा हो तो आठ से घटा देना। देखो ये क्लोरीन वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सेवन, आठ से घटा दो, आठ माइनस सेवन आया एक। अरे बाबा, अरे है कि नहीं भाई, देखना भाई क्या बोल रही है, नहीं तुम लोग बोल ही नहीं पा रहे हो यार, बस क्या भाई, मैंने मैंने क्लैपिंग के लिए नहीं बोलने बोला था भैया, तुम लोग बोल ही नहीं पा रहे हो, सही है कि नहीं, है कि नहीं। अभी देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ, ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, कैसे, अगर 4 से ज्यादा हो तो 8 से घटा देना, 8 माइनस 6 2, अरे वाह वाह, लेकिन आसान है कि नहीं बोलो, अरे आसान है कि नहीं, तो वैलेंसी भी ट्रिक से निकाल ली ये लो, लास्ट में अगर एक से चार तक है तो एक से चार तक वैलेंसी होगी, अगर चार से ज्यादा हो तो आठ से घटा देना, अरे वाह वाह, है कि नहीं, तो ये हमारा वैलेंसी हो गया खत्म।